हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परफ्यूम खरीदते वक्त सिर्फ एक चीज को मद्देनजर रखते हैं, जो कि खुशबू होती है। लेकिन हम में से कुछ लोगों ने इस बात पर भी गौर किया होगा कि परफ्यूम की बोतल में फ्रेंच जबान में कुछ लिखा होता है। सारे जहां की आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परफ्यूम की इन बोतलों पर फ्रेंच जबान में क्या लिखा होता है और इनका क्या मतलब होता है। इसके साथ साथ हमारे तमाम नाजरीन हमारे YouTube चैनल इसदारे जहां को सब्सक्राइब करते चलें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट और मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। परफ्यूम लगाते वक्त या खरीदते वक्त आपकी नजरों के सामने से उफ डी क्लोंग परफ्यूम, उफ डी परफ्यूम, उफ डी टॉयलेट, इफ खश के नाम जरूर गुजरे होंगे और इन लफ्जों से काफी लोग वाकिफ भी होंगे। ये तमाम लफ्ज फ्रेंच जबान में परफ्यूम की अकसाम बताते हैं जो कि बोतलों के ऊपर दर्ज होते हैं। नंबर एक, परफ्यूम। हम तमाम लोग इस लफ्ज से तो मुकम्मल तौर पर वाकिफ हैं। इस परफ्यूम को बनाने में 20-30% जरूरी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह होती है कि इसकी खुशबू देर पा होती है। इंसान की जिल्द पर इसकी खुशबू 6 घंटे जबकि कपड़ों पर 1 दिन बरकरार रहे, और ये किस्म तमाम खुशबुओं में सबसे महंगी होती है। इफ डी परफ्यूम। हम में से बहुत से लोग तजब्जुब का शिकार रहते हैं और परफ्यूम की इस किस्म को भी सारे परफ्यूम जैसा ही समझते हैं। इसमें लफ्ज इफ का मतलब पानी होता है, तो इसके नाम से ये बात वाज़े है कि ये परफ्यूम पानी में महलूल होने की सलाहियत रखता है और इसकी खुशबू 4 घंटों तक बरकरार रहती है, जबकि इसकी खुशबू परफ्यूम के मुकाबले में धीमी होती है। इफ डी टॉयलेट। परफ्यूम की ये किस्म 14वीं सदी में बनी थी और इस जमाने में इसे हेवनली वाटर भी कहा जाता था। ये परफ्यूम की खुशबू हल्की होती और ये 5-15% खालिस एसेंस में अल्कोहल की मिलावट से बनता है। इसकी खुशबू 2-3 घंटे तक बरकरार रहती है, जबकि ज्यादातर लोग परफ्यूम की इस किस्म को खरीदना और इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इफ डी क्लोंग। इब्तिदा में इस खुशबू का इस्तेमाल शुमाली अमरीका के मर्द हजरात किया करते थे। फ्रेंच जबान में इस लफ्ज का मतलब हल्का और ताज़ा फल जैसी खुशबू होता है। इसकी खुशबू 2 घंटों तक बरकरार रहती है और इसे ज्यादातर नौजवान इस्तेमाल करते हैं। इफ खश। इस लफ्ज का मतलब उर्दू जबान में ताज़ा पानी है। जैसा कि इस लफ्ज से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि इस परफ्यूम को बनाने में अल्कोहल और पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है और इसकी खुशबू तमाम परफ्यूम में सबसे हल्की होती है। इसकी खुशबू 1 घंटे या इससे भी कम वक्त तक बरकरार रहती है और ये खरीदने के लिए सबसे सस्ता परफ्यूम समझा जाता है और इसे दिन में लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्तारे जहां को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।